तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 7 की फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अर्ली एस्टिमेट्स की रिपोर्ट आ चुकी है। तो अभी बात करेंगे कैसी क्या कमा रही पूरे दिन, क्या रुझान रहा, क्या रिपोर्ट रही है, नेट इंडियन कलेक्शन से कितना कमाई कर रही है, ओवरसीज से कितना कमाई कर रही है, पहले 7 दिन में अभी तक कितनी कमाई कर चुके हिंदी से, नेट इंडियन कलेक्शन से और वर्ल्ड वाइड से। तो एक एक करके डिटेल टू डिटेल सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कल तक की बात करते हैं। पहले 6 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन अभी तक कितना कर चुकी है, 345 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन कितना, 415 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है। ओवरसीज से कितना आया अभी तक, टोटल पहले 6 दिन तक 200 करोड़ सिर्फ ओवरसीज से आया है। तो पूरी दुनिया से अभी तक कितना कमाई कर चुकी है पहले 6 दिन में, 615 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है सॉलिड तरीके से, और लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है और पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रही है मूवी। तो आज बात करते हैं डे 7 की कैसी क्या रही है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट रही है अराउंड 20-25% की फुल डे, मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक, और हिंदी से आज एंड ऑफ द डे तक लगभग में लगभग 20 से 21 करोड़ लाते दिख रही है मूवी, वो भी वर्किंग डे होने के बावजूद। इट्स ए ह्यूज कलेक्शन, क्योंकि नॉन हॉलीडे बिल्कुल नहीं है और वर्किंग डे फुल चल रहा है, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। तो आज डे 7 पर तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कितना कलेक्शन कर रही है नेट इंडियन कलेक्शन, आज का आंकड़ा जाता दिख रहा है लगभग 22 करोड़ के आसपास। तो इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन कितना रहेगा पूरे दिन का मूवी का, डे 7 का, अराउंड 27 करोड़ के आसपास। बात अगर ओवरसीज की करें तो लगभग कितनी कमाई आज कर सकती है डे 7 में मूवी, 10 से 12 करोड़ के आसपास ओवरसीज से कलेक्शन आता दिख रहा है आज एंड ऑफ द डे तक। तो अब ये टोटल बन जाता है लगभग 37 से 38 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया से डे 7 में कलेक्शन के मामले में। तो आज पहले 7 दिन में नेट कलेक्शन कितना कर लेगी मूवी, अराउंड 367 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता दिख रहा है पहले 7 दिन में ही। इसी के साथ मैं बताऊं तो जवान ने पहले 6 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से 306 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। तो पहले 7 दिन में कितना हो जाएगा सिर्फ हिंदी से कलेक्शन, आज के अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट है 20 करोड़ लाती दिख रही है डे 7 पर। तो एंड ऑफ द डे तक पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से 326 से 327 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है मूवी पहले 7 दिन में। इसी के साथ बात कर अगर ओवरसीज की करें तो कल एंड ऑफ द डे तक मूवी ने पहले 6 दिन में कितनी कमाई करी थी, लगभग 615 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम किया था और सभी की हवा टाइट कर दी थी बाय गॉड। और आज का अर्ली एस्टिमेट्स कितना है, 36 करोड़ पूरी दुनिया से डे 7 में। तो पहले 7 दिन में पूरी दुनिया से टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी का कितना जाता है, अब लगभग 650 करोड़ के आंकड़े को आज एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से कमाई करते नजर आ रही है मूवी। दोस्तों इट्स ए ह्यूज ह्यूज कलेक्शन, पहले 7 दिन में ही 650 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतना सब कुछ लाइफ टाइम कलेक्शन होता है किसी भी बॉलीवुड मूवी का, जो हम पिछले टाइम से देखते आ रहे हैं, लाइक टाइगर जिंदा है, सुल्तान, चेन्नई एक्सप्रेस, वॉर और भी कई मूवी का। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस संडे तक कितना कलेक्शन कर सकती है मूवी। देखो अभी के हिसाब से मैं अगर अर्ली प्रेडिक्शन करूं कि इस संडे तक मूवी कितनी कमाई कर सकती है पूरी दुनिया से, तो मेरे हिसाब से आंकड़ा 850 से 900 करोड़ के आसपास जाता दिख रहा है, क्योंकि वर्किंग डे में इतना ज़्यादा बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि फिर भी बहुत अच्छा कलेक्शन आता दिख रहा है। आज की बात अगर करें तो आज वर्किंग डे होने के बावजूद हिंदी से सिर्फ 20 करोड़ के आसपास कमाई करते नज़र आ रही है और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 36 से 37 करोड़ के आंकड़े को टच करते नज़र आ रही है। तो वर्किंग डे में देखा जाए तो एवरेजली एक ह्यूज कलेक्शन है, अबव देन एवरेज। तो मेरा अर्ली प्रिडिक्शन ये रहता है कि संडे तक मूवी साइड से साइड 850 से 900 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आएगी। लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये कहना है कि संडे तक मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और या फिर टच कर जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 850 करोड़ टच करेगी, 900 करोड़ टच करेगी या 1000 करोड़ टच ही नहीं करेगी, क्रॉस कर जाएगी? और लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में आपको क्या लगता है कि मूवी 1500 करोड़ कमाएगी या 1600 करोड़ कमाएगी या 1700 करोड़? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर देकर जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।